CIET -E presents trilingual dictionary of geography for schools bhugol vidyalayon ke liye tribhashi shabd kosh geography ki lugat schoolon ke liye index letter m macro page 75 mephis page 75 Magma. Page seventy five. Manganese nodules. Page seventy five. Mango shower. Page seventy five. Mangroves. Page seventy five. Mantle. Page seventy five. Manufacturing. Page seventy six. Map. Page seventy six. Map projection. Page seventy six. Map scale. Page seventy-seven. Marine-based industries. Page seventy-seven. Massive. Page seventy-seven. Mass production. Page seventy-seven. Mean, arithmetic mean. Page seventy-seven. Meanders. Page seventy-seven. Mean deviation. Page seventy-seven. Mechanical weathering. Page seventy seven. Median. Page seventy eight. Meridian of longitude. Page seventy eight. Mesopause. Page seventy eight. Mesosphere. Page seventy eight. Metallic minerals. Page seventy eight. Metallurgical coal. Page seventy eight. Metals. Page seventy eight metamorphic rocks page 78 metamorphic rocks page 78 metamorphism page 79 meteorites page 79 metropolis page 79 mica page 79 migrant page 79 migration page 79 Migration stream. Page 79. Million plus city. Page 79. Mine. Page 80. Mineral. Page 80. Mineral based industries. Page 80. Mineral fuel. Page 80. Mineral oil. Page 80. Mineral ore. Page 80. Mining. Page 80. Mixed farming. Page 81. Mode. Page 81. Monsoon. Page 81. Monsoon forest. Tropical deciduous forest. Page 81. Monsoon onset. Page 81. Moraines. Page 81. Motel. Page 81. Mountain. Page 81. Mouth. River. Page 82. Mulching. Page 82. Multiple cropping. Page 82. Mushroom rock. Page 82. Now let's move to letter M of the Dictionary of Geography, starting at page 75. M. Macro. Large scale overall level of the analysis of natural or social events, often contrasted with micro. ज स्मॉल स्केल महा दीर्घ बृहत मापक पर प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं का सभी स्तरों पर विश्लेषण जो प्राय लघु मापक के विपरीत होता है कला कुदरती या समाजी वाकयात के तजिए की मजमूरी सतह का बड़ा पैमाना जो अक्सर खुर्द यानी छोटे पैमाने के बरक्स होता है मैफिस डार्क डेंस रॉक फॉर्मिंग मेनली सिलिकेट्स मिनरल्स विच आर रिच इन आयरन एंड मैग्नीजियम एंड एसोसिएटेड विद इग्नियस रॉक्स इट इज कॉन्ट्रास्टेड विद फेल्सिक रॉक्स मैफिस गहरे सघन शैल निर्माणकारी मुख्यतः सिलिकेट खनिजों से है जो लोह एवं मैग्नीजियम में प्रचुर हैं एवं आग्नेय शैलों से संबंधित हैं यह फेल्सिक शैलों से विपरीत है मैफिस काली ठोस चट्टान खासकर सिलिकेट जिसमें लोहा और मैग्नीशियम भरपूर होते हैं और आतिश विशानी चट्टानों से मुंसलिक होते हैं इसके बरक्स फेल्सिक चट्टान है मैग्मा लिक्विड और सेमीलिक्विड वेरी हॉट मोल्टन रॉक्स ऑफ अ हाइली गेसियस एंड मोबाइल नेचर फाउंड विद इन दी अर्थ एट डेप्थ बिलो सिक्सटीन किलोमीटर मैग्मा तरल अथवा अर्ध तरल अति तप्त गलित शैले, जिनकी प्रकृति अत्यधिक गैसीय एवं गतिशील है जो पृथ्वी के अंदर 16 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती हैं मैग्मा गैसी हालत का काफी मुतहरिक फितरत वाली सैयाल। नीम सयाल बहुत ही गर्म पिघली हुई चट्टाने जो जमीन के अंदर 16 किलोमीटर के नीचे गहराई में पाई जाती हैं मैंगनीज नोड्यूल्स अ स्मॉल सेमी राउंडेड इरेग्यूलर कॉन्सेंट्रेशन नोड्यूल्स ऑफ रेजिस्टेंट मटेरियल्स कंटेनिंग मैंगनीज एंड सम अदर मिनरल्स लाइक आयरन एंड कॉपर विच इज हार्डर दैन द सेडिमेंट्री रॉक्स इन विच इट अकर्स सच डिपॉजिट्स आर फाउंड इन सर्टन क्ले रॉक्स और ऑन डीप ओशन फ्लोर मैंगनीज ग्रंथिकाएं प्रतिरोधक पदार्थों का एक छोटा अर्धगोलाकार अनियमित संकेन्द्रण ग्रंथिकाएं जिसमें मैंगनीज एवं कुछ अन्य खनिज जैसे लोह एवं ताम्र हैं जो अवसादी शैलों से अधिक कठोर हैं जिसमें यह पाए जाते हैं ऐसे निक्षेप निश्चित दृढ़ पंकाश्म अथवा गहरे महासागर सतह में मिलते हैं मैंगनीज गांठ मैंगनीज और लोहा और तामा जैसे दीगर मादनियात पर मुश्तमिल मजामती मादों का मुख्तसर, नींद दायरवी गैर मुस्तकिल जमाव गांठ जो उन रसूबी चट्टानों से ज्यादा सख्त होते हैं जिनमें वो मौजूद हों ऐसे रसूबात मखसूस चिकनी मिट्टी की चट्टानों में गहरे समंदरी फर्श पर पाए जाते हैं मैंगो शावर प्री मॉनसून शावर्स विच आर एक्सपीरियंस्ड इन केरला एंड कर्नाटका टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन एंड हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज आम्र बौछार पूर्व मॉनसून बौछारें जो ग्रीष्म ऋतु के अंत में केरल एवं कर्नाटक में अनुभव की जाती हैं एवं आमों के शीघ्र पकने में सहायता करती हैं आमी बौछार कब्ल मानसूनी बौछार जो केरला और कर्नाटक में मौसमी गर्मा के खात्मे के करीब होती है और आमों को कबल अज वक्त पकाने में मददगार होती है मैंग्रोव्स टॉल वुडी श्रब्स विद एरियल रूट्स एंड स्मूद लीव्स दैट आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग इन सॉल्ट वाटर हेंस ऑक्यूपाई कोस्टल स्वम्प रिवर डेल्टा एंड एश्चुरी इन ट्रॉपिकल रीजन्स एग्जाम्पल सुंदरी ट्रीज इन द सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव ऊंची काष्ठीय झाड़ियां जिनकी वायव मूल जड़ें एवं चिकने पत्ते होते हैं जो खारे पानी में उपजने में सक्षम होती हैं अतः उष्ण क्षेत्रों में तटीय अनूप नदी डेल्टा एवं ज्वारंद मुख में पाई जाती हैं उदाहरण के लिए सुंदरबन डेल्टा में पाया जाने वाला सुंदरी वृक्ष चमरंग हवा में निकली हुई जड़ों और चिकनी पत्तियों वाली लंबी झाड़ियां जो नमकीन पानी में नशोनुमा की सलाहियत रखती हैं इसलिए इनका इलाका हाररी खितों के साहिली दलदल दरियाई डेल्टा और मद्दोजरी मुहाना होता है मसलन सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी दरख्त mantle the layer of the earth just beneath its crust and extending up to a depth of 29000 km above the core it is a zone of hot dense rocks the mantle occupies 84% of the earth's volume and 68% of its mass page 76 mantle prithvi ki ek parat parpati ke niche. जो उनतीस हज़ार किलोमीटर की गहराई तक क्रोड के ऊपर तक विस्तृत है मेंटल पृथ्वी के आयतन का चौरासी प्रतिशत एवं इसकी सहती का अड़सठ प्रतिशत अधिकृत करता है कशरे जमीन के ठीक नीचे वाली सतह जो कल्प से उनतीस हजार किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है ये कसीफ ठोस चट्टानों का मुंतका है ये खिलाफ जमीन की जिसामत का चौरासी फीसद और उसके हजम का अड़सठ फीसद हिस्सा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिकेटेड गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स विच आर मोर वैल्यूएबल एग्जाम्पल पेपर एंड स्टील इट ऑल्सो इंक्लूड्स मेकिंग एंड असेंबली ऑफ पार्ट्स एंड कॉम्पोनेंट्स सच एज ऑटोमोबील्स एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज विनिर्माण कच्चे माल को संसाधित करके परिष्कृत माल में परिवर्तन जिससे उत्पाद के मूल्य में अधिवृद्धि होती है उदाहरण के लिए कागज फर्नीचर इत्यादि के लिए काष्ठ का प्रक्रमण इसके अंतर्गत स्वचालित वाहन एवं अभियांत्रिकी उद्योगों के पुर्जों एवं घटकों का निर्माण एवं संकलन भी आता है मनवात साजी खाम माल को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारकर बड़ी मकदार में ज्यादा कीमती अशया की तैयारी मसलन कागज और इस्पात इसमें कल पर्जों की तैयारी और उनको जोड़ना भी शामिल है मसलन मोटर गाड़ियां और इंजीनियरिंग की सनतें मैप अ काटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया ऑफ दर्थ सर्फिस स्मॉल और लार्ज drawn to a scale to show selected features and or phenomena small scale maps show a large area with less details large scale maps show a small area in greater detail thematic maps are prepared to show a selected theme on the basis of function example population density relief political map manchitra भूपृष्ठ के एक क्षेत्र का मानचित्रीय निरूपण लघु अथवा बृहत जो चयनित लक्षणों एवं अथवा परिघटनाओं को दर्शाने के लिए मापक पर बनाया जाता है लघु मापक मानचित्र बृहत क्षेत्र को कम विवरण के साथ दर्शाते हैं बृहत मापक मानचित्र लघु क्षेत्र को अधिक विवरण के साथ दर्शाते हैं थीमेटिक मानचित्र क्रिया के आधार पर चयनित विषय को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं उदाहरण के लिए जनसंख्या घनत्व उच्चावच राजनीतिक मानचित्र नक्शा मुंतब अशकाल या मज़ाहिर को दिखाने के लिए किसी पैमाने के मुताबिक सतह जमीन के छोटे या बड़े इलाके की अक्कासी छोटे पैमाने के नक्शे बड़े इलाके को कम तफसील से दिखाते हैं बड़े पैमाने के नक्शे छोटे इलाके को ज्यादा तफसील से दिखाते हैं किसी मुंतब मौजू को दिखाने के लिए मौजूदती नक्शों को अमली खूसियात की बुनियाद पर तैयार किया जाता है मसलन आबादी की कसाफत जमीनी खदोखाल सियासी नक्शा मैप प्रोजेक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द नेटवर्क ऑफ पैरल एंड मेरी from the spherical surface three dimensional of the earth to a plane surface two dimensional since the earth is a sphere it is impossible to have its true representation in terms of its area shape direction and distance in one map which is drawn on a flat surface hence a map projection is selected to serve the main purpose of the map मानचित्र प्रक्षेप समांतरों एवं याम्योत्तरों अक्षांश एवं देशांतर के जाल अर्थात पृथ्वी के ग्रिड को अनुचित्रित करने की विधि जिसमें पृथ्वी के गोलीय पृष्ठ त्रिआयामी को समतल पृष्ठ द्विआयाम पर चित्रित किया जाता है चूंकि पृथ्वी गोल है अतः इसका ठीक चित्रण इसके क्षेत्र आकार दिशा एवं दूरी के संदर्भ में एक मानचित्र पर दर्शाना असंभव है जो समतल सतह पर बनाया जाता है अतः मानचित्र प्रक्षेप का चयन मानचित्र के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है अजलाल नक्शा मुतवाज़ी ख़तूत और नहारी ख़तूत के जाल को मुंतकिल करने का तरीका यानी ज़मीन की कुर्रवि सह आबादी सतह से हमवार दो आबादी सतह तक का ज़मीनी जाल चूंकि जमीन एक कुर्रा है इसका रकबा उसकी शक्ल सिमट और दूरी की सही नुमाइंदगी एक हमवार सतह पर खींचे गए नक्शे में नामुमकिन है इसलिए नक्शे के अहम मकसद को जाहिर करने के लिए अजलाले नक्शे का इंतख्य किया जाता है पेज सेवेंटी सेवन मैप द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन अ मैप एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड द लार्जर द ratio, द स्मॉलर द मैप स्केल मानचित्र पैमाना मानचित्र पर दो बिंदुओं एवं धरातल पर सदृश बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुपात जितना अधिक अनुपात उतना लघु मानचित्र मापक पैमाना ए नक्शा किसी नक्शे पर दो नुक्तों के दरमियानी फासले और जमीन पर उनके मुताबिकती फासले का दरमियानी तनासुब ये तनासुब जितना ज्यादा होगा नक्शे का पैमाना उतना ही छोटा होगा मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज विच यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशंस एज रॉ मटीरियल्स समुद्र आधारित उद्योग उद्योग जो समुद्र एवं महासागरों के उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं समंदर एसास सनते वो सनते जो समंदरों और बहरे आजमों से हासिल होने वाली अशिया का इस्तेमाल खाम माल के तौर पर करती हैं। मार्केट अ प्लेस वे गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड एंड परचेस्ड बाजार वह स्थान जहां माल एवं सुविधाओं का क्रय एवं विक्रय होता है बाजार वो जगह जहां पर अशिया और खिदमत की खरीदो फरोख्त की जाती है मैसेफ अ फ्रेंच टर्म टू डिस्क्राइब अ लार्ज माउंटेनस एरिया और एन अपलैंड ऑफन ऑफ ग्रेटर रिजिडिटी देन सराउंडिंग रॉक्स एग्जाम्पल सेंट्रल मैसेफ ऑफ फ्रांस गिरीपिंड अंग्रेजी में इसे मेसिफ कहते हैं जो एक फ्रेंच शब्द है तथा बृहत पर्वतीय क्षेत्र अथवा उच्च भूमि को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें प्रायः आसपास की शैलों से अधिक कठोरता होती है उदाहरण के लिए फ्रांस का सेंट्रल मेसिफ मैसेफ किसी बड़े पहाड़ी इलाके या बुलंद जमीन को जाहिर करने के लिए एक फ्रांसीसी इतला ये अक्सर आसपास की चट्टानों से ज्यादा सख्त होता है मसलन फ्रांस का सेंट्रल मैसेफ मास प्रोडक्शन द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट एट अ फास्ट रेट दस पर यूनिट कॉस्ट इज लो विपुल उत्पादन बड़े पैमाने पर मानकीकृत उत्पाद का तीव्र दर से उत्पादन अतः प्रति इकाई लागत कम होती है कसीर पैदावार तेज रफ्तारी से किसी म्यार बंद चीज की बड़े पैमाने पर तैयारी इस तरह फी इकाई लागत कम आती है मीन एरिथमैटिक मीन द टोटल वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स माध्य मदों के समूह के योग का मदों की कुल संख्या से विभाजन औसत हिसाबी औसत मदों के उस मजमुई की कुल कदर जो मदों की तादाद से तकसीम की गई हो मियाडर्स वाइंडिंग सेक्शंस और लूप्स ऑफ अ रिवर दैट स्विंग फ्रॉम साइड टू साइड एज इट फ्लोज ओवर अ लेवल ट्रैक्ट नॉर्मली इन इट्स लोअर कोर्स विसर्प नदी का घुमावदार कटाव अथवा लूप जो एक ओर से दूसरी ओर डोलते मोड़ बनाते हैं जब नदी सामान्यतया अपने निम्न पथ पर समतल भूभाग पर बहती है पेचाग नदी का मोड़दार हिस्सा या लूप जिसमें नदी की निचली रह गुजर में हमवार सतह पर बहता हुआ पानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक लहराता रहता है मीन डिविएशन अ मेजर ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इंडिकेटिंग दसटेंड टू विच इंडिविजुअल वैल्यूज डिविएट फ्रॉम दरिथमैटिक मीन इट इज कैलक्यूलेटेड बाई समिंग दूट डिविएशन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ दरिजिनल डेटा फ्रॉम दरिथमैटिक मीन एंड डिवाइडिंग इट बाई द नंबर ऑफ वैल्यूज माध्य विचलन आंकड़ों के समूह के परिक्षेपण का एक माप जो यह औसत दर्शाता है कि एकाकी मान समांतर माध्य से कितना विचलित है यह योगात्मक माध्य से मूल आंकड़ों के सभी मूल्यों के निरपेक्ष विचलनों के जोड़ को मूल्यों की कुल संख्या से विभाजित करके परिकलित किया जाता है औसत इनहराफ ये किसी मजमुआ मालूम में इंतिशार की पैमाइश है जो हिसाबी औसत से इनफरादी कदरों की इनहिराफ़ की औसत हद को जाहिर करती है हिसाबी औसत से असल आदादो शुमार की तमाम कदरों के मुतालिक इनहिराफ को जोड़कर और कदरों की तादाद से तकसीम करके इसका हिसाब लगाया जाता है मैकेनिकल वेदरिंग द डिसंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स एट अर्थ सर्फिस और सब सर्फस ड्यू टू चेंज इन प्रेशर हीटिंग एंड कूलिंग प्लांट रूट्स एंड वॉटर और सॉल्ट क्रिस्टल्स इन द क्रैक्स एंड फिशर्स ऑफ रॉक्स मे शैटर रॉक्स थ्रू पीलिंग ऑफ और वाइडनिंग क्रैक्स पेज 78, एट यांत्रिक अपक्षय दाब में परिवर्तन तापन एवं शीतलन पौधों की जड़ों शैलों की दरारों एवं विदर में जल या नमक क्रिस्टल के कारण भूपृष्ठीय या अधस्थली शैलों का विघटन मिकानिकी फरसूदगी दबाव में तब्दीली की वजह से सतह जमीन या जैली सतह जमीन पर चट्टानों का बिखराव गर्म और ठंडा होने के अमल पौधों की जड़ें और चट्टानों की दरारों और शिगाफों में पानी या नमक की बिल्लौरें चट्टानों की परत उतार कर या शिगाफों को बढ़ाकर के चट्टानों को बिखरा सकती हैं मीडियन अ सिंपल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज द मिडिल वैल्यू इन अ डेटा सेट न द वैल्यूज आर अरेन्ज्ड इन एन असेंडिंग ऑर डिसेंडिंग ऑर्डर एज सच इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज अक अब और बिलो इट माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का एक सामान्य माप जो आंकड़ों के समूह का मध्य मूल्य होता है जब सभी मूल्यों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लगाया जाता है समान मूल्य वाली संख्या ऊपर अथवा नीचे आती है मानिया मरकजी रुझान की एक आसान पैमाइश जो कदरों की सऊदी या नजूली तौर पर मुरतब किए गए शुमार के मजमू की दरमियानी कदर होती है इस तरह मानिया के ऊपर और नीचे की कदरों की तादाद मसावी होती है मेरीडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एन इमेजिनरी लाइन ऑफ लॉन्गी द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स मेरीडियंस आर सेमी सर्कल्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड कट द इक्वेटर एंड ऑल पैरल ऑफ लैटिट्यूड एट राइट एंगल्स डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियन डिक्रीजेस टेडिली फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स वे दे कन्वर्ज इन टू अ पॉइंट देशांतर याम्योत्तर एक काल्पनिक देशांतर रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती है याम्योत्तर समान लंबाई के अर्धवृत्त होते हैं जो विषुवतीय वृत्त एवं सभी देशांतरों को समकोण पर काटते हैं याम्योत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटती जाती है जहाँ जाकर वे बिंदु बन जाती है निष्फुलनारी खतूत तुलुल बलद शुमाली और जनूब कुतुबैन को मिलाने वाला तुलुल बलद का फर्जी ख़त निहारी खतूत मसावी लंबाई के नीम दायरे हैं और ख़ते इस्तवा और अर्जुल बलत के तमाम मसावी खतूत पर जाविया कायमा बनाते हैं खत इस्तवा से कुतुबैन की तरफ लहार की दूरी बतदरीज घटती जाती है और वो कुतुबैन पर एक नुक्ते पर मिल जाते हैं मीजोपोजियर बिटवीन दीजोस्फेयर एंडोस्फियर अब The temperature rises with increase in altitude. मध्य सीमा यह मध्य मंडल एवं बाह्य मंडल के मध्य की संक्रमण परत है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है मयाना तवक्कुफ ये कुर्रय आयोनी में कुर्रय म्याना और कुर्रय हरारत के दरमियान एक सतह है जिसके ऊपर बुलंदी में इजाफे के साथ दर्ज हरारत बढ़ता रहता है मीजोस्फेयर द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सर्फिस एक्सटेंडिंग अप्रोक्सीमेटली बिटवीन फिफ्टी किलोमीटर एंड एट्टी किलोमीटर इट लाइज अब द स्ट्रेटोस्फेयर एंड ओवरलैप्स पार्ट ऑफ द आयोनोस्फेयर इन दिस लेयर टेम्परेचर फॉल्स विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड सी ऑल्सो एटमोस्फेयर मध्यमंडल पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की तीसरी परत जो 50 से 80 किलोमीटर के बीच विस्तृत है यह समताप मंडल के ऊपर स्थित है एवं आयन मंडल के कुछ भाग को ढक लेती है इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है देखें वायुमंडल मयाना सतह जमीन से कुर्रे बात का तीसरा तबक जो सतह जमीन से तकरीबन 50 से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये कुर्रे कायमा के ऊपर है और कुर्रे आयोनी के कुछ हिस्से को ढाके हुए है इस तबक में बुलंदी में इजाफे के साथ दर्ज हरारत घटता रहता है मजीद देखें कुर्र हवा मेटालिक मिनरल्स मिनरल्स कंटेनिंग मेटल इन रॉ फॉर्म आयरन और बॉक्साइडल्स धात्विक खनिज खनिज जिनमें धातुएं कच्चे रूप में होती हैं जैसे लोह अयस्क बॉक्साइट मैंगनीज धाती मादनियात ऐसी मादनियात जिनमें खाम शक्ल में धात पाई जाती है कच्चा लोहा और बॉक्साइट इसकी कुछ मिसालें हैं मेटलर्जिकल कोल हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल विच हैज हाई कार्बन कॉन्टेंट फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट धातु कर्मीय कोयला एक बढ़िया प्रकार का बिटुमेनी कोयला जो अधिक ऊष्मा देता है एवं झोंका भट्टियों में लोह प्रगलन के काम आता है फिल्जियाती कोयला आला दर्जे का बिट्यूमिनस कोयला जिसमें कार्बन की मकदार ज्यादा होती है और जो धमाका भट्टी में लोहे को गलाने की सलाहियत रखता है मेटल्स मेटल्स आर हार्ड that conduct कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव characteristic लस्टर और शाइन धातु यह वो कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा एवं विद्युत का संचालन करते हैं एवं इनकी विशेषता कांति अथवा चमक होती है धात धात सख्त माद्य होते हैं। जो हरारत और बिजली के मौसिल हैं और चमक उनकी खासियत है मेटामोफिक रॉक्स वन ऑफ थ्री मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर प्री एग्जिस्टिंग इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर कंप्लीटली ऑल्टर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इन कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर एंड टेक्स्चर एग्जाम्पल लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक इज मेटामोफोज इंटू मार्बल एंड ग्रेनाइट इग्नियस इंटू नाइस पेज 79 कायांतरित शैल पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीन मुख्य प्रकार की शैलों में से एक अत्यधिक ऊष्मा एवं दाब के कारण पहले से विद्यमान आग्नेय एवं अवसादी शैलें पूर्णतया संगठन संरचना एवं प्रकृति में बदल जाती हैं उदाहरण के लिए चूना पत्थर अवसादी शैल संगमरमर में एवं ग्रेनाइट आग्नेय शैल नाइस में कायांतरित हो जाता है मुतैरा चट्टाने जमीन पर पाई जाने वाली तीन अहम अकसाम की चट्टानों में से एक किस्म। ये चट्टान शदीद हरारत और दबाव की वजह से पहले से मौजूद आतिशफ फिशानी और रसूबी चट्टानों के अज्जाई तरकीबी साख्त और तार में मुकम्मल तौर पर तकलीफ हो जाती है जैसे चूना पत्थर रसूबी चट्टान संग मरमर में बदल जाता है और ग्रेनाइट आतिश नीस चट्टान बदल जाता है द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट ऑल्टरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कायांतरण पहले से विद्यमान आग्नेय एवं अवसादी शैलों के संगठन संरचना एवं प्रकृति में पूर्णतया बदल जाने की प्रक्रिया अमल तगैर पहले से मौजूद आतिश फिशानी और रसूबी चट्टानों के अज्जाई तरकीबी साख्त और तारपोद में मुकम्मल तब्दीली व तकलीफ का अमल मीटोरॉइड्स वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स रिवॉल्विंग राउंड द सन र ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन उल्काब अत्यंत लघु शैलों एवं धातुओं के टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ये पार्थिव तर उत्पत्ति के होते हैं चुहाबे सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाली चट्टानों और धातु के बहुत छोटे टुकड़े इनकी इब्तदा गैर अरजी है मेट्रोपुलस लार्ज अर्बन सेंटर विच प्रीडोमिनेट्स एज द मेन सेंटर ऑफ एक्टिविटीज एडमिनिस्ट्रेटिव कमर्शियल इंडस्ट्रियल एटसेट्रा इट जनरली सर्व अ लार्ज हिंटरलैंड एंड हैज कल्चरल एंड सोशल डायवर्सिटी एग्जाम्पल न्यू डेली न्यूयॉर्क महानगर एक बृहद नगर केंद्र जो क्रियाओं जैसे प्रशासनिक व्यावसायिक औद्योगिक इत्यादि के मुख्य केंद्र के रूप में प्रभुत्व रखता है यह सामान्यतः एक बड़े पृष्ठ प्रदेश को सेवाएं प्रदान करता है तथा इसमें सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधता होती है उदाहरण के लिए नई दिल्ली न्यूयॉर्क शहर अजीम एक बड़ा शहरी मरकज जहां इंतजामी तिजारती, सनती वगैरह सरगर्मियों का गलबा हो ये आमतौर पर व समाजी तनू वाले एक बड़े दाखिली इलाके को खिदमात फराहम करता है मसलन नई दिल्ली और न्यूयॉर्क माइका अ ग्रुप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स दैट आर सिमिलर इन केमिकल एंड फिजिकल कॉम्पोजिशन फ्लेक इजिली इनटू थिन शीट्स इट अपियर्स एज शाइनी फ्लेक्स इन मेनी इग्नियस एंड मेटामोफिक रॉक्स They are extensively used as insulators. The most common type of mica are biotites, dark in color, and muscovite, light color. अभ्रक सिलिकेट खनिजों का एक समूह जिसकी रासायनिक एवं भौतिक संरचना समान है ये आसानी से पतली परतों में पपड़ी बन जाते हैं यह अनेक आग्नेय एवं कायांतरित शैलों में चमकीली पपड़ी की भांति दिखाई देते हैं विद्युत रोधी के रूप में इनका व्यापक प्रयोग होता है सबसे सामान्य प्रकार के अभ्रक काला अभ्रक रंग में गहरे एवं श्वेत अभ्रक रंग में हल्के हैं अभ्रक सिलिकेट मादनियात का एक मजमुआ जिनकी कीमियावी और तबीयी साख्त एक जैसी होती है ये आसानी से पतली परतों में उखड़ जाता है ये बहुत ही आतिश फिशानी और मतगर चट्टानों में चमकती काशों की तरह नजर आता है इसका इस्तेमाल इंसुलेटर की हैसियत से बकसरत किया जाता है भूरे रंग की बायोटाइट और हल्के रंग की मस्कोवाइट अबरक की आम तरीन किस्में हैं माइग्रेंट पर्सन हु चेंजेस वन्स प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड मूव्स फ्रॉम वन एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री प्रवासी एक व्यक्ति जो स्वयं का आवास बदलकर एक प्रशासनिक इकाई से दूसरी प्रशासनिक इकाई में देश के अंदर अथवा बाहर अन्य स्थान पर जाता है मुहाजिर वो शख्स जो अपनी जाए रिहाइश को मुल्क की एक इंतजामी इकाई से दूसरी इंतजामी इकाई में बदल लेता है या मुल्क से बाहर चला जाता है माइग्रेशन मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस ऑफ रेसिडेंस टू अनादर आईदर विद इन और आउटसाइड अ कंट्री इट कुड बी ड्यू टू वेरियस रीजंस, सच एज इंप्लॉयमेंट मैरिज वॉर एटसेट्रा प्रवास देश के अंदर अथवा बाहर एक निवास स्थान से दूसरे तक लोगों की गतिशीलता यह अनेक कारणों से हो सकती है जैसे रोजगार विवाह युद्ध इत्यादि इजरत एक इंतजामी इकाई से दूसरी इकाई में जाए रिहाइश को बदलने का अमल है ख्वाह वो मुल्क के अंदर हो या बाहर इसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं जैसे मुलाजमत शादी जंग वगैरह माइग्रेशन स्ट्रीम लार्ज ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स मूविंग फ्रॉम अ कॉमन प्लेस ऑफ ओरिजिन टू अ कॉमन डेस्टिनेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रवास समूह एक समय में प्रवासियों के विशाल समूह का एक ही मूल स्थान से एक ही गंतव्य तक जाना हिजरती बहाव एक खास वक्त में लोगों की एक बड़ी जमात का महाजरीन की शक्ल में किसी आम जगह से खास मंजिल की तरफ जाना मिलियन प्लस सिटी अ लार्ज सिटी विद मोर देन अ मिलियन टेन लैख पॉपुलेशन एग्जाम्पल हैदराबाद बेंगलुरु एटसेट्रा दस लाख नगर एक बृहद नगर जहां जनसंख्या एक मिलियन दस लाख से अधिक है उदाहरण के लिए हैदराबाद बेंगलुरु इत्यादि पेज मिलियन प्लस सिटी वो शहर जिनकी आबादी दस लाख से ज्यादा होती है मसलन हैदराबाद बेंगलुरु वगैरह माइन एन एक्सकवेशन मेड इन द दर्थस क्रस्ट फॉर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स सच एज आयरन और प्रेशियस स्टोन कोल पेट्रोलियम एट्सेट्रा माइन कैन बी आई द शाफ्ट एग्जाम्पल झरिया कोल माइन अ ओपन पिट खान भू पर पटी पर किया गया उत्खनन जो खनिजों एवं जीवाश्मी ईंधन जैसे लोह अयस्क कीमती पत्थर कोयला पेट्रोलियम इत्यादि को निकालने के लिए किया जाता है खान भूमिगत उदाहरण के लिए झरिया कोयले की खान अथवा विवृत हो सकती है कान जमीन से मादनियात रिकाजी ईंधन जैसे खाम लोहा कीमती पत्थर कोयला और पेट्रोल वगैरह निकालने के लिए खुदाई करना कान जीनेदार भी हो सकती है जैसे झरिया कोयले की कान और खुले गड्ढे की शक्ल में भी मिनरल केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड अकरिंग नेचुरली They are formed by inorganic processes with definite chemical composition and arrangement of its atoms. Rocks are formed of minerals. Quartz and feldspar are the most common rock forming minerals. Minerals may occur in pure form as individual crystals or may be mixed with other minerals in rocks. Khanage Rasainik Tattva Yogic. जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं यह निश्चित रासायनिक संगठन एवं परमाणुओं के क्रम के साथ अजैविक प्रक्रियाओं से बनते हैं शैलें खनिजों से बनती हैं क्वार्ट्स एवं फेल्सपार सबसे सामान्य शैल निर्माणकारी खनिज हैं खनिज विशुद्ध रूप में एकल क्रिस्टल की तरह अथवा शैल में अन्य खनिजों के साथ सम्मिश्रित भी हो सकते हैं मादनियात कुदरती हालत में पाए जाने वाले कीमियाबुनसर या मरक्ब ये मखसूस कीमाई अज्जा तरकीबी और उसकी जौहरी तरतीब के गैर नामियाती अमल, अमल से बनते हैं ऑप्शन ये मखसूस कीमियाई अज़ाई तरकीबी और उसकी जौहरी तरतीब के गैर नामियाती अमल से बनते हैं चट्टान मादनियात से बनती हैं अकीीक और फलसफार ज़्यादातर आम चट्टान वाले मादनियात हैं मादनियात इनफरादी तौर पर खालिस बिल्लोरी शक्ल में हो सकते हैं या चट्टानों में दूसरे मादनियात की आमेजिश हो सकती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज विच यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटीरियल्स द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज खनिज आधारित उद्योग उद्योग जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का भरण करते हैं मादनियात असास सनतें वो सनतें जो पैदावार के लिए कच्चे मादनियात का इस्तेमाल खाम माल की हैसियत से करती है इन सनतों की मसनुआत का इस्तेमाल दीगर सनतों में किया जाता है मिनरल फ्यूल नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड एज फ्यूल एग्जांपल कोल पेट्रोलियम एटसेट्रा खनिज ईंधन अध्यात्विक पदार्थ जिनका उपयोग ईंधन के रूप में होता है जैसे कोयला पेट्रोलियम इत्यादि मादनी ईंधन गैर धाती मादनियात जो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं मसलन कोयला और पेट्रोलियम वगैरह मिनरल ऑयल A mixture of ऑफ in इन गैसियस और लिक्विड फॉर्म फाउंड इन earth. इट is कॉमनली known as पेट्रोलियम खनिज तेल गैसीय अथवा तरल अवस्था में पृथ्वी में पाया जाने वाला हाइड्रोकार्बन का सम्मिश्रण इसे सामान्यतया पेट्रोलियम कहते हैं मादनी तेल जमीन में गैस या सयाल की हालत में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का आमेजा इसे आमतौर पर पेट्रोलियम कहा जाता है मिनरल अ नेचुरली अकरिंग रॉकी मटीरियल कंटेनिंग सम मिनरल्स इन सफिशियंटली लार्ज क्वांटिटी दैट इज इकोनॉमिकली वायबल फॉर एक्सट्रैक्शन खनिज अयस्क एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला शैलीय पदार्थ जिसमें कुछ खनिजों की पर्याप्त बृहत मात्रा होती है जो निष्कर्षण के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य होती है खाम मादनियात कुदरती हालत में पाया जाने वाला चट्टानी मादा जिसमें बाज मादनियात कसीर मकदार में पाई जाती हैं यानी इकतसादी तौर पर जिनकी बकफायत खुदाई मुमकिन होती है माइनिंग एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू एक्स्ट्रैक्शन ऑफ कमर्शियली वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम दर्थ क्रस्ट खनन एक आर्थिक क्रिया जो भूपरपटी से वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान खनिजों के निष्कर्षण से संबंधित है कानकनी कशरे जमीन से तिजारती एतबार से क़ीमती मादनियात के हसूल से मुताल माशी सरगर्मी पेज,

एक किस्म की काश्तकारी जिसमें जमीन का इस्तेमाल गजाई फसलों और चारा उगाने के लिए किया जाता है और जानवरों को पाला जाता है मोड इट इज अ मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन अ डिस्ट्रीब्यूशन अ स्टेटिस्टिकल टर्म फॉर द वैल्यू विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन अ सेट ऑफ डेटा बहुलक यह वितरण में केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है यह मान के लिए सांख्यिकी शब्द है जो आंकड़ों के समूह में अधिकतम संख्या में आता है कसरतुल वकू। ये किसी तकसीम में मरकजी रुझान की एक पैमाइश है यह उस कदर को जाहिर करने के लिए शुमारियाती अलाह है जिसकी तादाद शुमार के मजमूए में सबसे ज्यादा होती है मोनोकल्चर कल्टिवेशन ऑफ अ सिंगल क्रॉप एग्जाम्पल रबर टी कॉफी एटसेट्रा एकल कृषि एक ही फसल की कृषि उदाहरण के लिए रबड़ चाय कॉफी इत्यादि एक फसली जरात एक फसल की काश्तकारी जैसे रबड़ चाय कॉफी वगैरह। मानसून इट इज अ कंप्लीट सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स ओवर अ लार्ज एरिया इट इज अ जेनरिक टर्म यूज टू डिनोट द क्लाइमेटिक कंडीशन ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन विच प्रिवेल ओवर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया द टर्म इज डिराइव फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड मौसम मीनिंग सीजनस मॉनसून एक बृहद क्षेत्र में पवनों का पूर्णतया मौसमी उत्क्रमण यह एक जातिगत शब्द है जिसका प्रयोग वर्षा ऋतु में जलवायु दशाओं को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापक होती हैं। यह शब्द अरबी शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ है ऋतुएं मानसून एक बड़े इलाके पर मौसमी हवाओं का मुकम्मल तौर पर पलट जाना बुनियादी तौर पर यह इस्तेलाह मौसम बरसात के दौरान जुनूब और जुनूब मशरकी एशिया की आबो हवाई हालात के लिए राइज है मानसून अरबी लफ्ज मौसम से माखूज है जिसके मानी है मौसम मानसून फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेजिडुअस फॉरेस्ट मानसून फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट फॉरेस्ट ऑफ मानसूनल क्लाइमेट रेनफॉल इज बिटवीन सेवेंटी टू हंड्रेड सेंटीमीटर च आर ऑफ डेसिडुअस कैरेक्टर एज दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन मेनी हार्डवुड ट्रीज सच एज टीक ऑफ पाउंडियर मानसून वन उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन मानसूनी जलवायु के वन जहां वर्षा सत्तर से सौ सेंटीमीटर के बीच होती है यह पर्णपाती विशेषता वाले होते हैं क्योंकि इनके पत्ते शुष्क ऋतु में झड़ जाते हैं कई कड़े काष्ठ वाले वृक्ष जैसे टीक शीशम साल आदि यहाँ पाए जाते हैं हारे पतझड़ के जंगलात मानसूनी आबो हवा के वो जंगलात जहाँ सत्तर से सौ सेंटीमीटर बारिश होती है इनमें पतझड़ की खसूसियत होती है क्योंकि ये जंगलात खुश्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं यहाँ सख्त लकड़ियों की बहुत सारे अकसाम जैसे सागवान पाए जाती हैं Monsoon onset. Sudden arrival of monsoon with strong winds and heavy rainfall lasting for many days after a long dry summer. The onset date varies in different parts of India. It is also called the monsoon burst. Monsoon Aguman. Tivr Pavano varsha ke monsoon ka achanak aguman. जो लंबे शुष्क ग्रीष्म ऋतु के बाद कई दिनों तक रहता है भारत के विभिन्न भागों में इसके आने की तिथि भिन्न भिन्न होती है इसे मानसून आगमन बर्स्ट भी कहते हैं आमदे मानसून लंबे खुश्क मौसम गर्मा के बाद तेज तेज़तुंद हवाओं और भारी बारिश के साथ मानसून का अचानक आना जो कई दिनों तक रहता है मानसून की आमद की तारीख हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग होती है इसे मानसून का फटना मॉनसून बर्स्ट भी कहते हैं मोरेन्स द हेट्रोजेनस मिनरल सच एज बोल्डर्स पेबल्स एंड क्ले ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय द ग्लेशियर्स एट द साइड्स बॉटम एंड टर्मिनस हिमोड, विविध ऑप्शन विषमांगी पदार्थ जैसे गोलाश्म गुटिका एवं चिकनी मिट्टी जो हिमनद द्वारा परिवाहित होते हैं एवं पार्श्व तल तथा अंतस्थ पर निक्षेपित किए जाते हैं पेज 82 मोरेन ग्लेशियर या बर्फीली चादर के जरिए किनारों कली और आखिरी सिरे पर पत्थर कंकर और चिकनी मिट्टी जैसे मुख्तलिफ नोयत के मादों का लाया जाना और जमा होना मोटेल अ काइंड ऑफ होटेल स्पेशली ऑन हाईवेज और एक्सप्रेस वेज विच प्रोवाइड्स सर्टन फेसिलिटीज टू ट्रेवलर्स फॉर स्टे सच सचैज बेडरूम किचन एंड पार्किंग स्पेस मोटल एक प्रकार का किराए का आवास विशेषतया महामार्गों द्रुत मार्गों के साथ जो यात्रियों को रुकने के लिए विशेष सुविधाएं जैसे शयन कक्ष पाकशाला रसोई घर तथा गाड़ी स्थान इत्यादि प्रदान करता है मोटल शाहराहों या तेज गुजरगाहों पर बने होटल जो मुसाफिरों को ठहरने के लिए मखसूस सहूलतें जैसे ख्वाबगाह बावर्ची खाना और गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह फराहम करते हैं माउंटन A landmass on the earth's surface that rises abruptly to a great height 600 meters or above in comparison to its surrounding landscape and has a broad base steep slopes and a narrow summit other highlands with a lower height and rounded top are considered hills parvat Prisht par ek bhu Akriti. जो आसपास के भूदृश्य से अधिक ऊंचाई 600 मीटर अथवा अधिक तक आकस्मिक उठ जाती है एवं जिसका आधार चौड़ा ढाल तीव्र तथा शिखर संकीर्ण होता है कम ऊंचाई एवं गोलाकार शिखर वाली अन्य उच्च भूमि को पहाड़ी माना जाता है पहाड़ सतह जमीन पर कायम एक जमीनी जिसामत जो मुकाबलतन अपने आसपास के जमीनी मनाजिर से अचानक काफी बुलंद 600 मीटर या उससे ज्यादा नजर आता है उसकी बुनियाद चौड़ी ढलान तेज और चोटी नोकीली होती है कम बुलंदी की गोल सिरे वाली दीगर जमीन को पहाड़ी कहा जाता है माउथ रिवर द प्लेस वेर अ रिवर फ्लोज इन टू बॉडी ऑफ वाटर लाइक अ लेक और अ सी मुक नदी वह स्थान जहां नदी किसी अन्य जलराशि जैसे झील अथवा समुद्र से मिल जाती है मुहाना वो जगह जहां नदी दूसरी आबी जिसामत जैसे झील या समंदर से मिलती है मल्चिंग कवरिंग द ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ ग्रास उडर क्रॉप्स एटसेट्रा विच हेल्प्स इन रिटेनिंग सॉइल मॉइस्चर इंक्रीजिंग फर्टिलिटी चेकिंग सॉइल इरोजन एटसेट्रा मल्छ बनाना अनावृत भूमि का जैविक पदार्थों जैसे पुआल घास एवं चारा फसल इत्यादि की परत से आवरण करना जो मृदा की नमी सुरक्षित रखता है उत्पादकता बढ़ाता है एवं मृदा अपर्दन को रोकता है मल्च साजी मिट्टी की नमी बरकरार रखने जरखेजी बढ़ाने और मिट्टी का कटाव वगैरह रोकने के लिए पौधों के दरमियान खाली जगह में नामियाती अशिया जैसे भूसा घास पुआल डंठल वगैरह की परत बिछाना मल्टीपल क्रॉपिंग ग्रोइंग टू और थ्री सक्सेसिव क्रॉप्स ऑन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड इन बहुशस्योत्पादन एक वर्ष में उसी भूमि के टुकड़े पर दो अथवा तीन क्रमिक फसलें उगाना कसीर फसली काश्तकारी एक किए जमीन पर साल भर में लगातार दो या तीन फसलें उगाना मशरूम रॉक अ विंड इरोडेड रॉक फीचर इन डेजर्ट्स सैंड पार्टिकल्स कैरिड विद द विंड कैन नॉट मूव हाई As such, these particles acting पार्टिकल्स एक्टिंग erode टूल्स lower parts लोअर rocks ऑफ रॉक्स मोर upper part. अपर पार्ट सच रॉक्स विद base एंड अ वाइडर टॉप अपीयर as मशरूम छत्रक शैल, शैल मरुस्थल में वायु द्वारा अपर्दित शैल आकृति वायु द्वारा वाहित बालू के कण ऊंचे नहीं उठ पाते अतएव यह कण जो यंत्रों की भांति कार्य करते हैं शैलों के निम्न भाग को ऊपरी भाग की अपेक्षा अधिक अपर्दित कर देते हैं इस प्रकार की शैलों के संकीर्ण आधार एवं चौड़े शिखर होते हैं जो छत्रक की भांति दिखाई देते हैं छतरी नुमा चट्टान ये रेगिस्तान में हवा के ज़रिए कटाव से बनी एक शक्ल है हवा के साथ उड़ने वाले रेत के ज़र्रात ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते इसलिए ये जरात चट्टानों के ऊपरी हिस्से की बनस्बत निचले हिस्से पर कटाव के लिए आले का काम करते हैं और इन चट्टानों का निचला हिस्सा कटकर पतला हो जाता है और ऊपरी हिस्सा छाती की तरह दिखाई देता है लेटर एम ऑफ ट्राइलिंग डिक्शनरी ऑफ जियोग्राफी फॉर स्कूल रेड बाय नीरज यादव एंड सुम्बुल शकील यू एर जस्ट लिस्निंग टू दिस प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन राजेश निमेश, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन प्रोफेसर सविता सिन्हा प्रोजेक्ट एडवाइज डॉ भारती कौशिक टेक्निकल कोऑर्डिनेशन बटीलैंग लिंगडो फ्रेमवर्क एडवाइज अजीत होरो एसिस्टेंस इन प्रोडक्शन कुसुम लता प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय वंदना अरिमर्दन एंड दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू बाय सी आईईटी न्यू डेल्ही इंडिया